तो एक रीकैप करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की बातें या आगे के टॉपिक्स डिस्कस करना। रीकैप ये है कि कल तक हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट या टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। सही है, हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख रहे थे कि कितनी टाइप्स हैं, जिनमें से एक को तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था पहले ही, और वो थी साइटोसिस। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। अब अरहम साहब, अपने आप को अनम्यूट करिए जल्दी से, और अब मुझे बताइए कि और बाकी की दो टाइप्स कौन सी थी अरहम जी? अरहम, पैसिव ट्रांसपोर्ट वेरी गुड। एक थी पैसिव ट्रांसपोर्ट और और दूसरी क्या एक थी? एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो अभी तक हम नहीं आते हैं, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने कल डिटेल में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब जयान, बहुत दिनों बाद कैमरा ऑन किया है, जरा आप अनम्यूट भी हो जाइए। आप जल्दी से जयान साहब अनम्यूट होके बताइए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की और की दो टाइप्स थी। जयान चले गए हैं नाराज होके कि हमसे क्यों पूछ लिया। आदिल आप बता दीजिए, आदिल पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स बताइए। अच्छा ये क्या बात है, मैं जिससे क्वेश्चन पूछती हूँ उसका नेट क्यों बंद हो जाता है? आदिल जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स या तीन टाइप्स? डिफ्यूजन डिफ्यूजन, वेरी गुड। डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस, एसिल एसिल डिटेटेड डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड कौन सी डिफ्यूजन? ठीक डिफ्यूजन है, मैं समझ गई। आप अगर ऑनलाइन नहीं होते, लाइव होते, तो आप इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही बोलते। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कल हम लोग आ गए थे पैसिव डिफ्यूजन की टाइप्स पे, और तीन टाइप्स हमने डिस्कस की थी, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की वो तीन बातें जो हमने कही थी कि बहुत अहम है, और वो हर तरह की पैसिव ट्रांसपोर्ट में है, चाहे वो डिफ्यूजन हो, फैसिलिटेटेड हो या ऑस्मोसिस हो। वो तीन बातें कौन सी थी? रेज हैंड करके भी आप बता सकते हैं, ताकि जिसको जो रेडी हो उसको मौका मिल जाए। चले, पैसिव ट्रांसपोर्ट की वो तीन कौन सी बातें थी जो तीनों टाइप्स में बिल्कुल सिमिलर हैं? जी कौन बताएगा? अमरता, आपको अनम्यूट करूं? अमरता आप बताएंगी? ओके, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाई वेरी गुड। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, जी जी बोले बोले, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। वेरी गुड। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एनर्जी इज, नॉट वेरी रिक्वायर्ड। गुड। हाई लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट है और एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, वेल डन। ठीक है अमरता, फिर हमने इसमें एक और बात डिस्कस की थी। अब तक हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिस्कस कर लिया था, और इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस था तो वो ये था कि सेल मेम्ब्रेन के कौन से पार्ट से या किस पैसेज से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। डिफ्यूजन जो थी थ्रू सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन जो थी वो बाय लिपिड लेयर से जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे वो थ्रू डिफ्यूजन कर रहे थे, और जो प्रोटीन से मूव कर रहे थे वो थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहे थे। स्ट्रेटेजी सेम थी, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी अगर कि मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज्यादा है और इनसाइड कम है, और वो लिपिड बायलेयर से मूव कर टाइप द सेल आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी है, ये कौन सी टाइप है? ये है सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन। और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो लिपिड बायलेयर से पास होते हैं? ये हैं आपके
non-polar smaller molecules. Non-polar is smaller molecules की example हमने discuss की थी, gases like oxygen and carbon dioxide. ये non-polar smaller molecule lipid bilayer से pass हो रहे हैं और जो mechanism follow कर रहे हैं वो था concentration gradient. Along the concentration gradient और वो down the concentration gradient movement का मतलब है from higher concentration towards lower concentration. तो यानी ये concentration gradient को follow करते हैं. जो concentration gradient मतलब जो difference of concentration था उसको follow करते हैं और वो क्या follow करते हैं from high to low movement होती है. From high concentration to लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ये तो हो गई डिफ्यूजन. फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उन मॉलिक्यूल्स की होती है जो लिपिड बायलेयर से पास नहीं हो सकते. याद है हमने कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़े थे जो आ रहे थे लेकिन वापस जा रहे थे, लिपिड बायलेयर के थ्रू पास नहीं हो रहे थे, और वो मॉलिक्यूल्स थे आपके पोलर लार्जर मॉलिक्यूल्स. पोलर यानी वो जिनके ऊपर चार्ज थे या वो पोल थे, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, या ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये लिपिड बायलेयर से पास नहीं हो रहे हैं. अब ये पास होंगे थ्रू प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के थ्रू पास होंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर. अब चाहे हायर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल है और आउटसाइड द सेल लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो अब मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड होगी. हमेशा मूवमेंट ये नहीं डिपेंड करेगी कि हमेशा आउट टू इनसाइड हो, नहीं. मूवमेंट डिपेंड करेगी कि कहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. बिकॉज वी नो दैट इन पैसिव ट्रांसपोर्ट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ये बातें सबको क्लियर है? वरुण क्लियर? एवरीवन ठीक है? ओके, नाउ अब बचा हमारा ऑस्मोसिस. थोड़ा सा मैंने कल आप लोगों को अगर याद हो, मैंने कहा था मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करके कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूंगी तो और बातें क्लियर हो जाएंगी. वैसे तो क्लियर है लेकिन हम जल्दी से वो पिक्चर्स भी देख लेते हैं ताकि हमें और ज्यादा ये चीजें जहन नशीन हो जाए. ठीक है, कि ये क्या है और क्या नहीं है. ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. कल हमने दो बातें की थी. नंबर वन, एक तो ये थी कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं विदाउट द मेम्ब्रेन, उसके लिए हमने डिस्कस किया था स्प्रे. अगर हम परफ्यूम का या बॉडी स्प्रे या एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हैं तो आप देखें नियर टू दिस नोजल जहां से ये स्प्रे निकल रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी ज्यादा है, यहाँ पे कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं कि वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हुए हुए, ओवरलैप हुए हुए, वेयर एज विद अ लिटिल डिस्टेंस यहाँ दूर होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो गए, स्कैटर्ड हो गए. तो मूवमेंट फ्रॉम हायर, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है टूवर्ड यहाँ पे नहीं है. और स्पेशली ये वाला एरिया देखें, यहाँ पे जब बिल्कुल मॉलिक्यूल नहीं थे तो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन थी और ये हायर वाले अब उस तरफ मूव कर रहे हैं जहां पे कॉन्सेंट्रेशन लोअर है. तो ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर विदाउट मेम्ब्रेन है तो भी डिफ्यूजन है. और जैसे एक और हमने बात डिस्कस की थी, लाइक एक और एग्जाम्पल डिस्कस की थी इंक ड्रॉप की. इंक ड्रॉप में भी आप ये बात नोटिस कीजिएगा कि ओवर हियर नियर द ड्रॉप और इन साइड द ड्रॉप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंक ज्यादा है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो वाइट एरिया या ट्रांसपेरेंट वाटर का एरिया जहां पे बिल्कुल भी इंक नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन लो है. एंड ग्रेजुअली वो कॉन्सेंट मूवमेंट इंक की या इंक मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी और फिर ये फैलना शुरू हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, सारी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे इंक आ जाएगी. दीज आर द टू एग्जाम्पल्स वेन देर इज नो मेम्ब्रेन. ठीक है, यानी अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी, द हायर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर, देन दे स्प्रेड आउट एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. एंड इफ द मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन,
और अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब देखिए ये एग्जांपल डिफ्यूजन की, जब मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सी दिस इज अ मेम्ब्रेन इन द मिडल, एक सॉल्यूट यहाँ है और दूसरा यहाँ है. सॉल्यूट नंबर वन कॉन्सेंट्रेशन इज हायर दिस साइड एज कंपेयर टू दिस साइड, कुछ भी नहीं है इसकी. जबकि ये है सॉल्यूट नंबर टू, येलो डॉट्स, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इस साइड पर है, यहाँ नहीं है. अब दोनों साइड से मूवमेंट होगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस दिस पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्रॉम हायर टू लोअर. पर्पल मूव करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर, ये देखिए सेकेंड पिक्चर में मूव कर रहे हैं. सिमिलरली दीज ऑरेंज डॉट विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, यहाँ यहाँ हायर थे, इधर बिल्कुल भी नहीं थे, ये इधर करेंगे. ये मूवमेंट उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगी जब तक दोनों साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल ना हो जाए. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डिफ्यूजन, दैट द मूवमेंट विल कंटिन्यू. मतलब हमारे जहन में एक सवाल आता है, क्या ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी या आगे जाके खत्म हो जाएगी. सेल आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल मूवमेंट हो रही है, फाइन. कब तक रहेगी ये मूवमेंट, क्या ये हमेशा होती रहेगी या ये किसी वक्त जाके रुक जाएगी. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मूवमेंट हैज स्टॉप. ये मूवमेंट तब स्टॉप हो जाएगी जब दोनों साइड पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी. वेन द कॉन्सेंट्रेशन become equal at both the sides, then the movement has stopped, the diffusion has stopped. Phir wo diffusion bilkul ruk jayegi aur stop ho jayegi when the concentration of the molecules become equal at both the sides. Is that clear to everyone? Baat samajh aa gayi hai? Theek hai bhai? Okay, now move on to the definition of, अब हम मूव कर रहे हैं टू द डेफिनेशन ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. कुछ और डिटेल्स रिगार्डिंग टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट, देन वी कम टू द ऑस्मोसिस. ठीक है, अच्छा जी. नेक्स्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन विच एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड. इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है. And it is categorized into diffusion and osmosis. इसकी जो दो categories हैं वो diffusion osmosis हैं. And there is also a facilitated diffusion जो हमने पहले भी discuss किया है. वो a type of diffusion ही है, but because the passage is different, therefore we call it facilitated diffusion. See the example of the ink as well as when a semi-permeable membrane is present. दोनों चीजों की एग्जाम्पल है, मेम्ब्रेन हो या ना हो, बट द डिफ्यूजन विल बी टेकिंग प्लेस. अगर मेम्ब्रेन नहीं है तब भी द मूवमेंट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इट इज टेकिंग प्लेस इन लिक्विड एज वेल एज इन गैसेस. द रीजन वाई इट इज टेकिंग प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस इज बिकॉज दे द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस आर फ्री टू मूव. ये आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा होगा, मैटर में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. उनकी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस मॉलिक्यूल कैन मूव, दे कैन फ्रीली मूव. देयरफॉर द डिफ्यूजन विल टेक प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस. एंड द थर्ड थिंग इज दैट इन लिविंग प्रोसेसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिविंग प्रोसेसेस के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल. दिस इज वेरी क्लियर. अगर आप इस पिक्चर में देखें लास्ट
लेक्चर जो है ना वो अपलोड करना यूट्यूब पे मुश्किल काम होता है।
हेलो, सबको आवाज आ रही है? जल्दी से सब अपने कैमरे ऑन कर लें। आवाज आ रही है सबको? तैयबा, वर्दा, जल्दी बता दें मुझे सबको आवाज आ रही है? हाँ, गुड। और मैं भी नजर आ रही हूँ सबको? आप तो इतनी देर तो पार्टी कर ली होगी तुम लोगों ने, टीचर डिस्कनेक्ट हो गई, दुआएं दी होंगी बिजली वालों को, इंटरनेट वालों को, शुक्र कहाँ गई ये, है ना? सबकी शक्लें बता रही है कितना कोई क्वालिटी टाइम गुजारा है ये 15 मिनट, और मैंने कितना क्वालिटी टाइम गुजारा है नहीं जानती हूँ। क्या कुछ कोशिश कर ली उसके बाद इंटरनेट कनेक्ट हो गया। एनीवे, आ गए। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे, जल्दी से मुझे याद तो बता करवा देंगे। हमने बात कर ली थी ऑस्मो, हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन की बात कर ली थी आपके साथ। कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे थे जिसमें ये सारी डिस्कशन चल रहे थे, पिक्चर दिखा रही थी मैं आपको कि किस तरीके से कौन से मॉलिक्यूल या क्या मटीरियल जो है वो लिपिड बायलेयर से पास होता है, और कौन सा जो है वो प्रोटीन के थ्रू पास होता है। जो लिपिड बायलेयर से पास होता है उसको डिफ्यूजन कहते हैं, जो प्रोटीन के थ्रू पास हो रहा होता है उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन दोनों केसेस में एक चीज सिमिलर है, और वो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चले अब हम आ रहे हैं थर्ड कैटेगरी पर, और जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। थर्ड कैटेगरी है ऑस्मोसिस। मैं बोर्ड रफ कर देती हूँ ताकि अब हम ऑस्मोसिस पर आ गए। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, अगर ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, तो इसका मतलब वो बातें तो सब सिमिलर होंगी। कौन सी? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। सही है, ये बातें तो हमने कहा है तीनों में सेम है। अब ऐसा क्या डिफरेंट है कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से अलग है? कोई डिफरेंस है तभी तो उसको हमने एक डिफरेंट कैटेगरी में रखा है। और वो डिफरेंस है कि हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में दो तरह के मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर लिए जो पास हो रहे हैं। एक थे नॉन पोलर स्मॉलर, जो डिफ्यूजन के थ्रू पास हो रहे थे, और पोलर में हमने बात की थी जो प्रोटीन के थ्रू पास हो रहे थे कि वो थे आयंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अगर आपको याद हो एक चीज पोलर में अभी तक उसका जिक्र हमने नहीं किया, एक चीज ऐसी है, एक कंपाउंड ऐसा है जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, जबकि शुरू में हमने कहा था कि ये भी वो पोलर मटेरियल है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में एंटर होता है, और वो मॉलिक्यूल है या वो मटेरियल है वाटर। याद आई बात? क्या वाटर का अभी तक डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई भी हमने उसमें जिक्र किया कि ये लिपिड बायलेयर के थ्रू पास हो रहा है या प्रोटीन के थ्रू पास हो रहा है, ऐसी कोई भी बात हमने अभी तक की नहीं की? वाटर को तो हम भूल ही गए थे कि ये भी तो वो पोलर कंपाउंड है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहा है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक्सक्लूसिवली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, यानी बाकी की चीजें हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ ली। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स पास होने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन से, वो जिस प्रोसेस के थ्रू पास होते हैं वो कहलाता है ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस क्या हुई? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो सेम स्ट्रेटेजी होगी, from high water potential to lower water potential through
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जल्दी से इसको कॉपी कर रहे हैं तो करें, मैं फिर एक बात इसके मुताबिक आपको बताऊंगी, पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर करवाऊंगी कि इसका मतलब क्या है, ताकि आपको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का डिफरेंस हमेशा याद रह जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस भी याद हो जाएगा, और जब आपको पता होगा कि दिस इज ऑस्मोसिस, जैसे ही आप ये लिख लेंगे अपनी थम्स अप करेंगे ताकि मुझे पता हो मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूं। ओके, नाउ सी, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये पॉइंट ये लाइन समझ आ गई। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब कि सेल के अंदर वाटर का जाना, सेल से बाहर वाटर आना इज ऑस्मोसिस फर्स्ट थिंग, यहां से यहां तक इज ऑस्मोसिस। सेकेंड, अब क्या मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, फ्रॉम हाई टू लो, वही वाली बात, हाई से लोअर की साइड पे। लेकिन यहां पे एक वर्ड आपके लिए नया है और वो है वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, इस वाटर पोटेंशियल के क्या मतलब है, ये क्या यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का वर्ड यूज किया है, जबकि अक्सर जगहों पे आपको वर्ड वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी मिलेगा, लेकिन करेक्ट बात है वाटर पोटेंशियल। वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी लिखा होता है किताबों में, लेकिन वाटर इज अ प्योर कंपाउंड, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन की होती है, या तो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है या लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, वाटर प्योर कंपाउंड है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे हाई वाटर पोटेंशियल, और अगर वाटर के मॉलिक्यूल कम है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे लो वाटर पोटेंशियल, यानी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट भी है उसमें कम सॉल्ट और ज्यादा वाटर, हाई वाटर पोटेंशियल, एंड ज्यादा सॉल्ट और कम वाटर मींस लो वाटर पोटेंशियल। आर यू गेटिंग दिस, यानी मूवमेंट किस चीज की है, वाटर मॉलिक्यूल्स की, कहां से, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, जो डिफ्यूजन में थी लेकिन इंडिपेंडेंट थी, डिफ्यूजन गैसेस की विदाउट मेम्ब्रेन भी होती है और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी a membrane, always a membrane. Osmosis means the movement of water molecules should be always through a semi-permeable membrane. These are three very important things for osmosis. Number one, movement of water molecule. Number two, from higher water potential to lower water potential. And number three, through a semi-permeable membrane. अब तो आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा, डिफ्यूजन में कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, पोलर नॉन पोलर के गैस भी है और आयंस भी है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसमें भी हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहे थे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हायर वाटर पोटेंशियल, यानी जहां पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स उधर जाएंगे जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, through a semi-permeable membrane. The second very important thing, third very important thing is कि इसके लिए permeable membrane का होना जरूरी है. For example, ये एक beaker है जिसके center में हमने semi-permeable membrane लगा दी है. Semi-permeable membrane का मतलब ये हुआ कि it's a semi-permeable membrane जिसके बीच बीच में ये पार्शियली परमिएबल है या कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सही है। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, जो यहाँ सॉल्यूशन है ये जो ब्लू कलर के सर्कल्स हैं, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स,
ब्लू कलर सॉल्यूशंस आर वाटर मॉलिक्यूल्स और ये रेड कलर के जो हैं वो समझे आपके शुगर है या ग्लूकोज है. ठीक है, ब्लू कलर के क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है. वाटर मॉलिक्यूल्स इधर भी है इधर भी है, यहाँ पे तकरीबन कोई 6 or 9 है और वहां पे सिर्फ 3 है. तो वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है, इधर या इधर? यहाँ ज्यादा है वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे क्या है, कम है. ठीक है, यानी के हायर वाटर पोटेंशियल, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है. क्यों वरुण, आई बात समझ ये वाली, नजर आ रहा है कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है? ओके, ये है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स और बाकी कोई भी ये सॉल्यूट है, चाहे वो सॉल्ट है या शुगर है या कुछ भी है. ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है और इधर कम है. नाउ द मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहां से इधर मूव करेंगे फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, जहां पे कम वाटर मॉलिक्यूल है उधर मूव करेंगे. और कब तक मूव करेंगे, जब तक वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों साइड पर इक्वल नहीं हो जाएंगे. दे मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल टिल द वाटर मॉलिक्यूल बिकम इक्वल ऑन बोथ द साइड एंड इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑस्मोसिस, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from higher water potential to lower water potential through a semi-permeable membrane is known as osmosis. Any question? Clear हो गई ये सब बात? ठीक है, तो अब ये इस बारे में कभी भी confused नहीं होना है कि from higher water potential to lower water potential का क्या मतलब है या किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, या आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि भाई क्या थी मूवमेंट, किस तरीके क्या कौन से मॉलिक्यूल की मूवमेंट को क्या कहते हैं और कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो थ्रू द लिपिड बायलेयर पास कर रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल जो है थ्रू प्रोटीन पास कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन, एम आई राइट? ठीक है, गुड. ये ऑस्मोसिस हो गया, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब चाहे वो डिफ्यूजन हो, चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो, तीनों में मूवमेंट जो है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. आपको अक्सर जगह पे ये वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये मैं दोबारा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो ही इस सेंटेंस से हम इसका ऑपोजिट सेंटेंस को कंपेयर करेंगे. जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मूवमेंट हमेशा हायर टू लोअर होती है, जिस साइड पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वहां से मूवमेंट हमेशा कम मॉलिक्यूल या लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड पे होती है. इस मूवमेंट को हम डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम जब ये सेंटेंस डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज इट, सही है? तो यहाँ पे ही रोक देते हैं इसको. नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करेंगे. हमारा टाइम भी थोड़ा सा आज नेट की वजह से प्रॉब्लम में आ गया था, तो मतलब क्लास जो है वो बीच में डिसकंटिन्यू करनी पड़ी थी. लेकिन जो आज यहाँ तक किया है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, लेक्चर पढ़ेंगे. और अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स मौजूद हैं, आपकी बायोलॉजी की बुक्स हैं, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं. लेकिन हम जो अभी सेल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें
सेल मेम्ब्रेन के साथ अभी ये डिटेल मौजूद नहीं है, ये आगे की चैप्टर्स में मिलेगी, लेकिन यहाँ आप इसको यहीं पे क्लियर करके आगे चलेंगे तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, तो इट शुड बी क्लियर टू यू के सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल कैसे होता है. इज दैट क्लियर? चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज.